सो टिल नाउ अभी तक हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को देखा और उसके बेसिक जो टाइप्स थे वो हमने कंसीडर किया कि इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट क्या है और किस तरह से उसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आती है वो किस तरह से हमें पता चलती है. ठीक है, जैसे अगर मैं समराइज करूँ प्रीवियस सेशन को, तो हमने इंटीजर को देखा था कि वो 4 बाइट का है. ठीक है, यानी 32 बिट्स का मतलब है 2 की पावर 32, और हमें पता है कि इंटीजर में हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों लिखते हैं, लिहाजा 2 से डिवाइड करने के बाद हमने वैल्यू डिसाइड की थी कि मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसी तरह ये मिनिमम वैल्यू है. उसके बाद हमने देखा था कि कैरेक्टर के अंदर आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लिख सकते हैं, जो सिंगल कोटेशन के अंदर आप साइन लिखते हो उसको एक ASCII कोड के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस ASCII नंबर कभी भी किसी का नेगेटिव नहीं हो सकता. यही वजह है कि 2 की पावर हम जब 8 लेते हैं तो 256 वो नंबर होता है, और 256 हमेशा पॉजिटिव में ही कंसिडर किया जाता है, यानी 0 to 255. इसी तरह फ्लोट को देखा हमने, फ्लोट में पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो 4 बाइट का बिल्कुल वही वैल्यू हो गई. इसी तरह डबल के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, डेसिमल पॉइंट का डिफरेंस है. ठीक है, इसमें हम अप टू 6 लिख रहे होते हैं पॉइंट के बाद, जबकि इसमें हम 14 डिजिट्स तक आगे लिख सकते हैं. ये बेसिक डिफरेंस है फ्लोट एंड डबल का. इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमने यहाँ पर लिख कर शो की हुई है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है. नाउ इस सेशन पर हमें मज़ीद सॉर्ट करनी है चीज़ों को. ठीक है, तो ये इमेज मैंने शो की हुई है. इस वक्त आप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर देख रहे हो कि कैरेक्टर के अंदर सबसे पहले हम इंटीजर को कंसिडर करते हैं. तो इंटीजर के अंदर है साइन इंटीजर एंड अनसाइन इंटीजर. अच्छा, अभी तक जब मैंने सिर्फ सिंपल इंटीजर की बात की थी तो मैंने खुद 2 की पावर 32 की थी, उसके बाद नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था. इस चीज़ को सिंप्लीफाई तरीके से अगर मैं समझूँ, अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर a इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये है कि उसमें वैल्यू तो 1 स्टोर है, लेकिन उसने मेमोरी के अंदर साइज जो है वो 4 बाइट का कवर कर लिया, क्योंकि इंटीजर का साइज क्या होता है, 4 बाइट होता है. ठीक है, ऑल दो मैं उसके अंदर 0 स्टोर करवाऊँ, -1 स्टोर करवाऊँ, या फिर मैं ये नंबर स्टोर करवाऊँ जो हमने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ली थी, वो हर शर्त में मेमोरी कितनी कंज्यूम करेगा, 4 बाइट्स की, यानी 32 बिट्स की. क्यों? क्योंकि ये उसका साइज है. ठीक है, फॉर इसको आसान लफ्जों में समझते हैं कि आपने ये एक रूम है, जिस रूम में हम बैठे हुए, यानी जिस लैब पे हम बैठे हुए, इसमें 20 स्टूडेंट बैठे हैं या 1 स्टूडेंट बैठे, ऑक्यूपाइड पूरी 1 लैब होगी. ठीक है ना, तो इसी तरह से जब मैं यहाँ पर एक छोटी वैल्यू स्टोर करवाता हूँ तो भी ये पूरे एरिया को स्टोर कर रहा होता है, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कराऊँ तो भी वो उसी एरिया को ऑक्यूपाइड कर रहा है. लिहाजा इस चीज़ के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है कि आप साइन वैल्यू को अलग कर लें और अनसाइन को अलग कर दें. साइन से मुराद माइनस वैल्यू और अनसाइन से मुराद जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है. हाँ, साइन का मतलब ये है कि वहाँ पर साइन मौजूद है ना. अनसाइन का मतलब मैं वहाँ पर साइन नहीं लिख रहा हूँ, प्लस साइन हम मैंशन नहीं करते हैं. ठीक है, तो इसे हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे अब कि हम इसे प्रैक्टिकली किस तरह से लिख सकते हैं और इसको हमें क्या करना, किस तरह से मैंशन करना होगा. ये हमारे पास कुछ फॉर्मेट्स हैं उसी अनसाइन के, कि हर अनसाइन के लिए हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज है. आप देख रहे हो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर हर के लिए अलग लिखे हुए हैं. हमने अभी तक हमने इंटीजर देखा था तो परसेंट डी यूज़ किया था. ठीक है, फ्लोट किया था तो एफ यूज़ किया था, और डबल किया था हमने LF किया हुआ था यहाँ पर. तो ये बेसिक तो हम चीज़ें कर चुके हैं. अब हम सिर्फ इंटीजर को देखेंगे साइन एंड अनसाइन के अंदर वो क्या चीज़ें हो रही हैं. लेट्स सी, तो मैं इसे करता हूँ अपने हाफ स्क्रीन पर, और इसी तरह अपने डेव आईडी को हाफ स्क्रीन में कर देता हूँ, और यहाँ पर आते हैं तो तमाम पार्ट को कमेंट कर देता हूँ मैं. तो ये एरिया था हमारा मल्टी लाइन का, मैंने इसको यहाँ तक कर लिया. नाउ सबसे पहले हम साइन इंटीजर की बात करते हैं, तो साइन के लिए मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट वहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन अनसाइन को पहले हम कंसिडर करते हैं. तो मैं लिखता हूँ अन साइन इंटीजर a इक्वल टू 1, सिमिलरली अनसाइन शॉर्ट इंटीजर b इक्वल टू 1, इसी तरह अनसाइन लॉन्ग इंटीजर c इक्वल टू 1. ठीक है, हम वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं. तो ये अनसाइन की तीनों चीज़ें हो गई जो हम इमेज पे भी देख रहे हैं अपने. इसी तरह फिर साइन की तरफ चलते हैं, तो मैं लिखता हूँ साइन शॉर्ट इंटीजर d इक्वल टू 1,
इसी तरह साइन, लॉन्ग, इंटीजर, ई इक्वल टू वन. ठीक है, तो हमने छह वैल्यूज यहां से डिसाइड कर ली और इसकी वैल्यू हमने यहां पर शो करवा दी है. तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस वक्त मेमोरी ये कितना कंज्यूम कर रहा है, देन उसके बाद हम फॉर्मेट स्पेसिफायर के जरिए से इसकी वैल्यू प्रिंट करवाएंगे. तो साइज हम प्रिंट करने के लिए इस मेथड को इस्तेमाल करते थे, लिहाजा मैं इन तमाम कोड को यहां से कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करने के बाद नीचे आके हम प्रिंट करते हैं. बाकी फर्दर काम को भी हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए. स्लैश स्टैरिक, स्टैरिक स्लैश. अब हमें पता है कि जब भी किसी का साइज रिटर्न होता है तो हम हमेशा किस में लिखते हैं, परसेंट डी के अंदर लिखते हैं ना, तो परसेंट डी तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन मैं किसके साइज को फाइंड करना चाहता हूँ, अनसाइन इंटीजर को ना, तो मैं इधर से इसे कॉपी करता हूँ और मैंने क्या लिख दिया, अनसाइन इंटीजर. पहले मैं क्या लिखता था, सिर्फ इंटीजर लिखता था या फ्लोट लिखता था, डबल लिखता था, लेकिन अब मुझे इस वर्ड के साथ लिखना होगा जो कि प्रिफाई कर रहा है, इसको स्पेसिफिक स्पेसिफाइड कर रहा है कि आप साइज किस वेरी डेटा टाइप का मालूम करना चाह रहे हो. इसी तरह अनसाइन शॉर्ट इंटीजर, तो मैंने लिखा अनसाइन शॉर्ट इंटीजर, करैक्टर को हटा देते हैं. सिमिलरली अनसाइन लॉग इंटीजर, तो मैं इस लाइन को कॉपी करता हूं. एंड साइन शॉर्ट इंटीजर, कॉपी पेस्ट. एंड सिमिलरली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइन लॉन्ग इंटीजर, कॉपी. एंड ओके, तो मैं जूम आउट करता हूं ताकि चीजें बेहतर तरीके से हमें समझ में आए. तो आप देख रहे हो मैंने इंटीजर के जितने सब पार्ट थे साइन और अनसाइन के अंदर, उन तमाम की वैल्यू असाइन की हुई है. ऑल दो हमें वैल्यू को प्रिंट नहीं करवा रहे हैं बल्कि सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप के साइज को देखना चाह रहे हैं कि इस डेटा टाइप का साइज कितना है. ठीक है, लिहाजा ये करने के बाद मैं कंट्रोल एस करता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ और चेक करते हैं कि क्या ये सक्सेसफुली इसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है. और आप देख रहे हो 4 2 4 2 4. तो इसको समझते हैं हम, मैं जूम करता हूं. देखो अनसाइन इंटीजर, इसका साइज भी क्या है हमारे पास, 4 बाइट है. ठीक है, फिर उसके बाद अनसाइन शॉर्ट इंटीजर. शॉर्ट इंटीजर से मुराद ये है कि इसमें भी आप इंटीजर वैल्यू ही लिखोगे लेकिन इसकी रेंज कितनी हो गई, 4 से 2 हो गई. ठीक है, हाफ हो गई उसकी. फिर इसी तरह लॉन्ग इंटीजर की बात करूं तो लॉन्ग इंटीजर भी यहां पर क्या है, 4 बाइट का है. फिर उसके बाद हम साइन इंटीजर पे चलते हैं, यानी कि जहां पर आप माइनस के साथ वैल्यू लिखते हो, तो माइनस के साथ जब मैं वैल्यू लिखूंगा शॉर्ट में तो वो कितनी हो जाएंगी, 2. इसी तरह जब मैं साइन लॉन्ग इंटीजर लिखूंगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4. तो ये टोटल 4 एंड 2 के दरमियान ही वैल्यू लाए कर रही है. अगर मैं सिर्फ सिंपल इंटीजर की बात करता हूं तो टोटल साइज 4 बाइट है. ठीक है, और इसी तरह हम साइन इंटीजर, साइन शॉर्ट इंटीजर, साइन लॉन्ग इंटीजर या अनसाइन शॉर्ट इंटीजर, अनसाइन लॉन्ग इंटीजर या अनसाइन इंटीजर की बात करें तो उसके दरमियान भी वैल्यू इसी तरह से वैरी कर रही है. अब फर्क क्या है कि हम इन छह चीज़ों को इस्तेमाल क्यों करते हैं. जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि एक लैब के अंदर अगर 20 स्टूडेंट की जगह है और वहाँ पर आकर एक स्टूडेंट बैठता है तो वो ऑक्यूपाइड उस पूरे एरिया को करता है, तो क्यों ना हम अपनी लैब को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें ताकि अगर सिर्फ एक स्टूडेंट आ रहे हो या सिर्फ 10 स्टूडेंट आ रहे हो तो हम हाफ पार्ट में कवर करें उसे, और जब हाफ से ज़्यादा होने लगे यानी 11 तक आने लगे तो हम पूरे 1 को एरिया कर लें, क्योंकि स्टूडेंट की क्वांटिटी कभी माइनस में नहीं हो सकती. तो इसीलिए यहाँ पर साइन इंटीजर या अनसाइन इंटीजर की तो बात ही नहीं हो सकती, लेकिन नंबर जो है वो पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है. यही वजह है कि जब पॉजिटिव की बात की गई तो वो अनसाइन पर आ गया और जब नेगेटिव की बात की गई तो वो किस में आ गई, वैल्यू साइन के अंदर आ गई. तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन थी. अब नेक्स्ट सेशन पे हम ये देखेंगे कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस तरह से प्रिंट की जा सकती है.